जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। मजदूर की बेटी खेलेगी T20 मैच। ज्योति यादव के हुनर को देख हर शख्स का सीना चौड़ा हो गया। टूटा बैट, किट और दिल्ली जाने का किराया नहीं। 19 साल की क्रिकेटर ज्योति यादव ने कायम की मिसाल। मिर्जापुर की महिला क्रिकेटर ज्योति यादव इन दिनों चर्चा में है। ज्योति महिला क्रिकेटर है, उनका चयन दिल्ली में DTC की टीम में हुआ है। मगर ज्योति के करियर में सबसे बड़ी बाधा उसकी गरीबी है। उसके पास क्रिकेट किट नहीं है और न ही दिल्ली जाने के लिए पैसा, जबकि जनवरी में उन्हें दिल्ली जाना है। कहते हैं ना, प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती। इसी कहावत को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली 19 साल की महिला क्रिकेटर ज्योति यादव ने सच कर दिखाया है। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाली ज्योति का सिलेक्शन दिल्ली की DTC टीम में हुआ है। मगर अब मुश्किल ये है कि उसके पास दिल्ली जाने तक का किराया नहीं है। भारतीय महिला टीम में खेलने का सपना देखने वाली ज्योति यादव मिर्जापुर के कछवा क्षेत्र के आही गांव की रहने वाली है। उसने अपने पिता की कोचिंग में ही अपने गांव में क्रिकेट के गुर सीखे। इसी के दम पर DTC की टीम में जगह भी बनाई। दाई हाथ से बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी करने वाली ज्योति ऑलराउंडर है। हाल ही में उनका चयन राजस्थान में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए DLCL की टीम में हुआ है। ऐसे में वह अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है। गरीब परिवार की इस प्रतिभावान खिलाड़ी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसकी गरीबी है। उनका परिवार बेहद ही गरीब है, जो क्रिकेट खेलने और दिल्ली में ट्रेनिंग का खर्चा भी नहीं उठा सकता। ज्योति अपने पिता काशीनाथ यादव से क्रिकेट के गुर सीखने के बाद गाँव में ही रहकर तैयारी कर रही है। तैयारी करने के लिए उनके पास क्रिकेट किट तक नहीं है। खेलने के लिए टूटा बल्ला और पुरानी गेंद से ही वह प्रैक्टिस करती है। पिता के अलावा ज्योति YouTube से भी वीडियो देखकर क्रिकेट के गुर सीख रही है। उनकी आइडल महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मधाना है। मधाना की तरह ही ज्योति भी देश के लिए खेलना चाहती है। पैसे नहीं थे तो इस ट्रेनिंग कैंप से भी निकाल दिया। ज्योति यादव ने करीब 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी। ज्योति ने कहा कि घर के काम के साथ ही क्रिकेट में रुचि है। मैं प्रयागराज में निजी ट्रेनिंग कैंप में भी गई थी, वहाँ एडमिशन लेना था। वहाँ ट्रेनिंग लेने पर 9,000 रुपये प्रतिमाह खर्चा था। पिता को इस बारे में जानकारी दी। पिता ने आर्थिक तंगी के चलते धनराशि दे पाने में असमर्थता जताई। धनराशि नहीं जमा होने पर उन्हें ट्रेनिंग कैंप से निकाल दिया गया। फिर भी ज्योति यादव ने हार नहीं मानी, घर पर रहकर प्रैक्टिस करती रही। ज्योति के जीवन में आर्थिक कमियां रही, लेकिन उनके परिवार और गांव के लोगों ने ज्योति को हमेशा प्रोत्साहित किया। उसके गांव में कोई लड़की क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन जब ज्योति ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो किसी ने उन्हें बल्ला तो किसी ने पुराना मोबाइल दिया। मोबाइल के जरिए ज्योति क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव बीन से हुई, जिसके जरिए ज्योति को DLCL ट्रायल के बारे में पता चला। गौरव बीन बधोई के रहने वाले हैं। उनको पता चला कि दिल्ली में परीक्षण शुरू हो रहे हैं और परीक्षण के लिए पंजीकरण करना होता है। ज्योति किसी तरह साल 2021 में ट्रायल के लिए दिल्ली पहुंची। उन्होंने महज 3 ओवर ही खेले, लेकिन लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। DLCL के क्वालिफाई राउंड में उन्होंने सिलेक्टर्स को प्रभावित किया और उनका चयन दिल्ली में DTC की टीम में हुआ। ज्योति को दिल्ली की एक संस्था ने 130 खिलाड़ियों में चुना है। अब उनको DLCL स्पॉन्सरशिप ट्रायल खेलने के लिए दिल्ली जाना है। इसके बाद संस्था उसे राजस्थान के मैच में खिलाएगी। उसने गरीबी में रहते हुए क्रिकेट की बारीकियां सीखी, लेकिन उसके पास खेलने के लिए क्रिकेट का सामान नहीं था। जैसे ही ज्योति यादव की खबर चारों तरफ पहुंची, तो ज्योति यादव के हुनर को देखकर सभी ने मदद की। अब ज्योति यादव मैच खेल सकेगी। इसी बीच ज्योति के हुनर की सुर्खियां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची। उन्होंने ज्योति को मिलने के लिए बुलाया। ज्योति यादव अपने पिता के साथ लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंची और अखिलेश यादव से मुलाकात की। पूर्व CM ने ज्योति को मन लगाकर खेलते हुए नाम रोशन करने की बात कही, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुराना बल्ला और खेत का मैदान आया काम। आप में भी खेलने का हुनर होना चाहिए। पैसे से हुनर नहीं आता, मेहनत से आता है। आप सभी को बहन ज्योति यादव की इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।